भी बन गया है और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए। और दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ बह के देखिए नीचे आ गया है बेबी, उसको छोड़िए। हेलो दोस्तों, आज हम कटहल की एक रेसिपी बनाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं कटहल को काट के ले ली हूँ छोटे छोटे पीस में, और इसके साथ आलू है, यहाँ पे चना दाल है। चलिए इसको हम पहले बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे प्रेशर कुकर में। तो चलिए हम सारा चीज़ों को प्रेशर कुकर में ले लेते हैं। इसको 2 से 3 सीटी आने तक इसको हम बॉयल करेंगे। या आलू को भी डाल देंगे, इसको 2 से 3 सीटी आने तक हम बॉईल करेंगे, उबालेंगे इसको। चलो इसमें चना दाल डाल देते हैं 1 कटोरी भर के ली हमें। इस टाइम पे हम नमक इसमें डाल देंगे 1 चम्मच। ढक्कन लगा के हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पे ढक्कन लगा दी हमें, चलिए इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और इसको उबालने के लिए छोड़ देंगे। और मिलते हैं आगे तैयारी करते हुए आगे की रेसिपी की। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तैयारी करते हैं, और यहाँ पे मैं कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा ली हूँ और इसको गर्म होने के लिए हम छोड़ देते हैं। चलिए इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे हम चीनी डाल देते हैं, ऑयल हमारा गर्म हो गया है 1.5 चम्मच। इसको भी हम गर्म होने के लिए मेल्ट होने के लिए छोड़ेंगे थोड़ी देर। दोस्तों चलिए यहाँ पे हम प्याज डाल देते हैं। यहाँ पे मैं 2 बड़े प्याज को पेस्ट करके ले ली हूँ। इसके साथ ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच से कम, ये घर पीसी हुई लाल मिर्च है तो तीखा बन जाएगा ज़्यादा, तो हम 1 चम्मच से कम डालेंगे। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। दोस्तों चलिए इस टाइम पे हम इसमें नमक डाल देते 1 चम्मच और थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि हम पहले से ही नमक डाले थे। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। दोस्तों चलिए यहाँ पे अदरक लहसुन और ये जीरा का पेस्ट है, इसको हम डाल देते हैं। इसको भी थोड़ा सा डालेंगे हम और इसको भूनेंगे इसका कच्चापन निकलने तक, और उसके बाद थोड़ा मसाला डालेंगे।
दोस्तों इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ, उसके बाद दिखाते हैं या वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा अगर ऐसे सारा चीज़ें वीडियो में मतलब भूनते रहूँगी तो वीडियो लंबा बन जाएगा और बोरिंग आ जाएगी, लोग नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं चाहूँगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे पास में जो बेल आइकन है क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जाए। दोस्तों आगे की तैयारी हम लोग, दोस्तों चलिए अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर यहाँ से एक चम्मच से थोड़ा कम डालेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी दालचीनी पाउडर डाल दूँगी और मतलब गरम मसाला इसमें सब मिलके हैं। तो यहाँ पे ये हाफ चम्मच मतलब एक चम्मच से कम डालेंगे, ज़्यादा इसमें दालचीनी है तो नहीं तो दालचीनी की स्मेल बहुत ज़्यादा आएगी। और यहाँ पे हम थोड़ा पानी दे देते हैं। दोस्तों ये मसाला पानी है, सिलबट्टे पे पीसने के टाइम जो पानी यूज़ किया जाता है मैं उसी को ले ली हूँ। और दोस्तों ये हमारा जो बॉईल किए थे चना और आलू और कटहल की इसको भी हम साइड में रखते हैं। दोस्तों इसको भी थोड़ा भून लेती हूँ मैं अच्छे से। दोस्तों चलिए यहाँ पे मैं ये मेरे पास ये जो वेजिटेबल पाउडर है, वेजिटेबल करी मसाला पाउडर, हाँ इसको हम डाल देते हैं दो चम्मच। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों इस टाइम पे हम इसमें टमाटर डाल देंगे। यहाँ पे मैं एक बड़ा टमाटर और छोटा टमाटर को काट के ले ली हूँ। इसको भी हम डाल देंगे, थोड़ी देर भूनेंगे अच्छे से। और यहाँ पे मैं और एक मसाला डाल दूँगी। दोस्तों चलिए यहाँ पे मैं और एक गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ और इसको भी हम भून लेंगे अच्छे से। यहाँ पे आप लोग मसाला को टेस्ट कर सकते हो जानने के लिए नमक मसाला मिर्च कितना है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे मैं सूखे हुए ये धनिया के पत्ते डाल देती हूँ। इसको मैं ये हमारे बगीचे के मैं इसको काट के धूप में सुखा के रखी हूँ तो इसको भी डाल देते हैं थोड़ा फ्लेवर के लिए। दोस्तों यहाँ धूप में मैं बैठ के बाहर बना रही हूँ वीडियो के कारण नहीं अंधेरा दिख रहा है तो एकदम पसीने में नहा ली हूँ। तो दोस्तों ये हमारे मेहनत के थोड़ा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है सब बंद करने के लिए। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं ना, थोड़ी सी ये इसमें से पानी निकाल लेते हैं ताकि हमारा ये सब्जी थोड़ा हम मसाले में भून लेंगे। जितना हो सके हम इसमें पानी निकाल लेंगे। इस पानी को हम बाद में यूज़ करेंगे इसी ग्रेवी के, आपको जितना मसाला मतलब ग्रेवी चाहिए होगा इसके लिए। दोस्तों चलिए इसमें हम डाल देते हैं ये उबले हुए आलू चना और कटहल को। इसको हम थोड़ा उबलने के लिए सॉरी दोस्तों इसको भूनेंगे हम थोड़ी देर के लिए ताकि मसाले का फ्लेवर इसमें आ जाए थोड़ी देर, थोड़ा नहीं तो बहुत अच्छे से आ जाए।
दोस्तों इसको थोड़ा हम ढक्कन लगा के भी छोड़ देंगे ताकि इसमें और थोड़ा सा इसको भी हम डाल देंगे, फ्लेवर सारा इसमें आ जाए। दोस्तों यहाँ पे ढक्कन लगा लेते हैं और मिलते हैं इसको थोड़ा इसका पानी सूखने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को देखें और घर में बनाइए, साथ में खाइए और कमेंट करिए आपके आप जब बनाए थे मतलब रेसिपी कैसा बना था। और मिलते हैं फिर आगे। चलिए दोस्तों ढक्कन हटा के हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ी सी नमक और डाल दूँगी, हाफ चम्मच, क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए तो ग्रेवी में हम थोड़ा तो पानी देंगे तो नमक कम हो जाएगा। दोस्तों चलिए ये रहा हमारा जो बॉईल किया गया है पानी इस आलू और चना दाल और कटहल की, तो यहाँ पे मैं ये डाल दी और थोड़ा सा पानी हमें चाहिए, थोड़ा हम इसको सीधा कर लेंगे और थोड़ा सा हम पानी दे देंगे इसमें, इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये तो पहले से बॉईल हुआ है तो हम इसको थोड़ी देर और इसका कच्चापन निकलने के लिए मतलब तो पानी थोड़ा हमारा सीज हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, फिर से ढक्कन लगा देते हैं और इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए। आगे मिलते हैं पकने के बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। दोस्तों मेरे धूप ज़्यादा हो तो अंदर आ गई है, अंदर थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है तो मैं इसको पहले ढक्कन को थोड़ा हटा लेती हूँ और यहाँ पर मैं गैस पर उसको ले आई हूँ, ढक्कन हटा लेते हैं। यहाँ पर हमारी ये सब्जी या कुछ इस तरह अगर बनना है तो बन गया है, तैयार हो गया है। तो चलिए हम गैस ऑफ कर लेते हैं, इसको मैं धीमे आंच पे रखी थी, इसको हम थोड़ा थोड़ा तो नहीं, चलिए इस गैस ऑफ कर लेते हैं और एक बर्तन को इसको निकालते हैं। दोस्तों चलिए मैं इसको इस प्लेट मतलब इस मैं निकाल लेती हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये हमारा रेसिपी बन गया है और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए। और दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ बह के देखिए नीचे आ गया, देखिए उसको छोड़िए।